हेलो एंड स्वागत है आप सभी को हमारे ई स्पार्क्स एकेडमी में, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर के बारे में। ठीक है, तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता, द इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। अभी हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर के बारे में। तो वैदिक कल्चर जो है, उसको हम एक क्लास में नहीं कवर कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पेजेस है, बट धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं समझ के। जैसे पिछले बार हम लोग सब समझे हैं, हर चीज़ को, हर वर्ड्स को हम लोग समझ के इसको पढ़े थे। आज हम लोग उसी तरह से वैदिक कल्चर को समझते हैं। तो अगर हम एक चार्ट बनाएं, अगर हम एक चार्ट बनाते हैं, तो हम लोग को पता है कि वो चार्ट में अगर हम देखें 2500 BC, 2500 BC से हम लोग का 1500 BC तक जो था वो था अपना सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम पहले भी यहाँ पे देख लिए हैं, राइट। तो 2500 BC से कहीं 1750 के आसपास था सिंधु घाटी सभ्यता। देन उसका पतन हुआ, इट डिक्लाइंड। उसका क्या रीजन था वो हम लोग को तो मालूम नहीं है अच्छा से, बट जो भी है उसका कोई कारण था। मैक्सिम बहुत लोग बहुत चीज बोलते हैं, तो क्या कारण था उसका, जहाँ पे कि उसका डिक्लाइन हो गया। ये है उसका 1750 में उसका डिक्लाइन हुआ। देन 1500 ईस्वी से कहीं ना कहीं चला 600 BC तक। तो ये जो टाइमलाइन है, आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह से उल्टा क्यों चल रहा है, क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट है। फिर धीरे धीरे वो आता है 0, देन फिर उसके बाद आपका यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, फाइनली फिर 1250, 1000, 1250, 2000, फिर आपका अभी क्या चल रहा है, अभी है 224। तो ये हम लोग AD में, उसके पहले एक 0 आता है, ठीक है। तो ये है हमारा जो टाइमलाइन है, इसको थोड़ा सा जानना जरूरी रहता है, क्योंकि हम लोग इसी टाइमलाइन को फॉलो करके कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। तो वैदिक कल्चर जो है, उसको अगर हम लोग देखें, तो ये हम लोग का 1500 BC से 600 BC तक चला हुआ है। तो वैदिक कल्चर एक्चुअल में, आप जो नाम जान रहे हैं, आप इसमें क्या समझ सकते हैं वैदिक कल्चर में? यहाँ पे वेद, वेद जो चीज है, इस बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। वेद पुराण रहता है ना, उस चीज का। चलिए, तो पहले देखते हैं वैदिक कल्चर में हम लोग क्या क्या हुआ। पहला पूछता है कि आर्यन जो है, उनका ओरिजिनल घर कहाँ है? ये जो आर्यन, उनका ओरिजिनल घर कहाँ है? तो ये भी एक कॉन्ट्रोवर्सियल पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब कॉन्ट्रोवर्सियल पॉइंट मतलब इसका कोई मालूम नहीं है, हजार लोग हजार चीज बोलते हैं, तो ये डाउट वाला पॉइंट है। कई लोग कहते हैं कि ये भारत की जन्मभूमि में ही रहते हैं, और कई कहते हैं कि ये बाहर से माइग्रेट करके आए हैं। जैसे मैक्स मुलर जो है, वो कहते हैं कि वो सेंट्रल एशिया, जो एशिया महाद्वीप है, सेंट्रल एशिया से दे हैव माइग्रेटेड। कहते हैं वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट क्या है, कोई कहता है यूरोप से, आर्कटिक रीजन से। कहते हैं बाल गंगाधर तिलक जी जो है, वो कहते हैं वो आर्कटिक रीजन से। तो अगर आप ग्लोब देखें, इस तरह का आपका ग्लोब है, तो ये आपका आर्कटिक सर्कल रहता है, अंटार्कटिक सर्कल रहता है, देन ये जो आपका ये एरिया है, ये आपका एशिया रहता है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको यूरोप मिल जाएगा इस कोने में, ओके। सो कई लोग के कई विचार हैं, ठीक है। तो अभी ये चीज फाइनल नहीं है कि कहाँ से वो आए हैं, बट कई विचार है। तो आर्यन का जो है ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिस तरह से हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, उसका डिक्लाइन के बारे में हमको उसका रीजन नहीं पता है। वी डोंट नो द रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिमिलरली वी ऑल्सो डोंट नो फ्रॉम वेयर द आर्यन एक्चुअली केम। वो हो सकता है माइग्रेट करके आए हैं बाहर से। सो पॉपुलर बिलीफ के हिसाब से बहुत लोगों का ये मानना है। तो देखिए, जहां पे भी हम लोग डाउट में पड़ते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं तो कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लोग मानते हैं कि दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से वो लोग माइग्रेट करके धीरे 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 पहुंचे हैं। कब पहुंचे थे? 2000 BC से 1500 BC के आसपास, ठीक है, इसी दौरान वो लोग पहुंचे हुए हैं। देन अगर उनका इंस्क्रिप्शन देखिए, वहां पे चार वैदिक भगवान कहा गया है, चार वेद का भगवान, एक है इंद्र, एक है वरुण, एक है मित्र, एक है नसत्या। तो ये सेंट्रल एशियन जो थ्योरी है, ये कहा जाता है कि ये सब बताते हैं कि ये जो चार वेद हैं, ये क्योंकि भारत का है, तो मे बी ये सेंट्रल एशिया से ही ये लोग आए हैं। ये वोगाजकाई इंस्क्रिप्शन का है, जो कि तुर्की में पाया गया है। यहाँ का जो इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कहा गया है चार वेदों का लिस्टिंग्स है, इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य। तो वहां से वो लोग जो पाए हैं चार वेदिक गॉड, हो सकता है कि उस जो एरिया है तुर्की में, जो जगह है तुर्की में, तो हो सकता है कि वहां से उनका ओरिजिनेशन हुआ, ओरिजिनेशन होकर के वो धीरे धीरे पहुंचा है इस तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रुप दैट केम टू इंडिया फर्स्ट सेटल्ड इन द प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस। इसका मतलब ये है कि जो भी पहले आया वो कहाँ पे रुका। हम लोग को पता है एक अच्छा चीज कि ये हमारा अगर भारत था, ये हमारा मान लीजिए भारत का देश है, ये हमारा भारत का, तो
कुछ इस तरह का हमारा देश है, ठीक है। तो फिर यहां से हम लोग का सिक्किम उक्किम चला जाएगा उस साइड, ठीक है। ये हमारा भारत का, तो ये पार्टीशन अभी का है दोस्तों। पहले क्या होता था, ये एक कंटिन्यूअस एक मेन लैंड है, ठीक है, जहां पे एक पाकिस्तान मिला हुआ है भारत के साथ। तो जब भी वो लोग पहले आए, वो लोग आने के बाद कहीं ना कहीं ये जगह में रहे रुके हैं, क्योंकि वो सेंट्रल प्रोविंस में रुके हैं, ठीक है। और उसको कहा गया है सप्त सिंधु, यानी सात नदियों का जो मिलन है, जो एरिया है, उसको सप्त सिंधु कहा गया है। उसको अगर देखें तो यहाँ पे आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सात नदी हमको दिखता है, ठीक है। तो इंडस, सरस्वती, जो भी है, यहाँ पे बहुत सारी नदी हम लोग को दिख रहा है, झेलम, चेनाब, जो भी है, ठीक है। तो इसीलिए उसको सप्त सिंधु कहा गया है। और यहाँ पे बहुत दिन रुके, रुकने के बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे ट्रैवल करते गए इस रीजन से, फिर ये रीजन, गंगा यमुना वाला रीजन होकर के वो लोग गंगा की तरफ आए थे, ठीक है। ये उनका रास्ता था, वो धीरे धीरे फिर बढ़े। वैदिक लिटरेचर कहा गया, मतलब वैदिक लिटरेचर मतलब जो वेद में जो पढ़ाया जाता है। तो सबसे अगर पुराना कोई लिटरेचर देखे तो वो है ऋग्वेद अपना, ठीक है। ऋग्वेद को सबसे पुराना लिटरेचर कहा गया है, और उसमें चार लिटरेरी प्रोडक्शंस हैं। संहिता यानी वेदास, तो हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग वैदिक कल्चर, तो पहले तो वेदास आना ही था। उसके बाद है ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषद, ठीक है। जैसे हमारे किताब रहते हैं, ग्रंथ रहते हैं, ऋग्वेद भी जो है और वैदिक लिटरेचर जो है, उसमें हम लोग चार लिटरेरी प्रोडक्शंस पढ़ते हैं, चारों की चार टाइप की किताब पढ़ते हैं, संहिता और वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषद। चारों अलग अलग चीजों के बारे में बोलता है, ठीक है। और जो वैदिक जो कल्चर है, वो धीरे धीरे अपने जनरेशन बाय जनरेशन में बढ़ते गए। ऋग्वेदा जो चीज है दोस्तों, हम लोग आजकल लिख लेते हैं, आजकल हम लोग रामायण लिख लिए हैं, महाभारत लिख लिए हैं, बट ऋग्वेदा जो चीज है दोस्तों, वो पहले कभी लिखा नहीं था। वो आश्रम रहता है जहाँ पे कि एक साधु बाबा है। साधु बाबा क्या करते हैं, अपना आश्रम में बहुत सारे उनके बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को वर्ड ऑफ माउथ ये कुछ बोलते हैं तो ये लोग सुनते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, ये अपने बच्चे को बोलते हैं। तो ये चीज़ धीरे धीरे फैलते गया, और धीरे धीरे सुन सुन के इसको क्या कहा गया है, श्रुति कहा गया है, क्योंकि इस चीज को वो लोग सुनते सुनते वो अपने अंदर फैलाने लगे, ठीक है। तो अगर सबसे बड़ा अच्छा कोई, मतलब सबसे फेमस कोई वैदिक लिटरेचर देखा जाए, वो है वेदास, ठीक है। वेदास को कहा गया है अपरिश्रय, मतलब ये इंसान से नहीं, ये भगवान से, भगवान के दिया, भगवान के द्वारा दिया गया वरदान है। और इसको नित्य भी कहा गया है, जो कि हर जगह पे उपस्थित है आपका, एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू लर्न हियर दैट द वैदिक लिटरेचर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ, लाइक फ्रॉम द सेंट्स, एक ऋषि मुनि से वो अपना शिष्य की ओर, टू हिज पीपल्स, एंड देन दिस वेदास वेर ऑल्सो कॉल्ड अपरिश्रय, मीन्स जो कि भगवान के द्वारा गिफ्ट किया गया हो, वो जिसमें कोई पुरुष का कोई हाथ ना हो। वेदास अगर देखेंगे दोस्तों, चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो दोस्तों हमारा चार लिटरेचर प्रोडक्शंस क्या क्या है, अगर आएंगे कि हमारे पौराणिक काल से फोर लिटरेचर ग्रंथ अगर आएंगे, लिटरेरी ग्रंथ पढ़ा हुआ, तो क्या क्या है, संहिता है, ब्राह्मणास है, अरण्यकास है, उपनिषद है। संहिता को हम लोग वेदास भी कहते हैं, जो कि बहुत फेमस है। वेदास को फिर से चार भाग में बांटा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ये जो पहले जो तीन वेद है हमारा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उसको वेदत्रायी कहा गया है। वेदत्रायी याद कैसे रखेंगे दोस्तों, देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो तीनों में क्या है, वेद है, और ये तीन मिल, तीन तीन को हम लोग क्या बोलते हैं, तीन को त्राई, त्राई, ठीक है, वेद त्राई, ट्राई ऑफ वेदास। अथर्ववेद हम लोग मान सकते हैं बहुत बाद में आया, तो इसके लिए वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो पहला तीन वेद को वेद त्राई कहा गया है। चार वेदों में से जो है, ऋग्वेद में क्या क्या, ऋग्वेद जो है बहुत सबसे ज्यादा पुराना है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, जिसमें कि कुछ कुछ लिरिक्स है इसमें, 1028 हिम्स है, मतलब 128 मंत्र है इसमें, डिवाइडेड इंटू 10 मंडल, मतलब आपका क्या है, एक किताब है। किताब में क्या होता है दोस्तों, किताब में होता है आपका एक टॉपिक रहता है,
मतलब एक पोएम का नाम है, मान लीजिए पोएम 1 एक कविता का नाम है, कविता के अंदर आपका बहुत सारा पोएम्स रहते हैं, ठीक है, वो उसमें बहुत सारे स्टांजाज रहते हैं, मंत्र रहते हैं। तो इसी तरह से कहा गया है 10 मंडलाज हैं एंड उसमें 1028 हाइम्स है, तो ये जरूरी है थोड़ा सा याद रखना। 6 मंडला जो है सेकेंड से 7th, ये जानना जरूरी है कि जो हमारा फर्स्ट मंडला आया है ना वो बहुत बाद में आया है, सेकेंड टू सेवेंथ जो है मतलब दूसरी से जो 7वीं नंबर मंडला है उनको कहा गया है गोत्र वंश मंडल, गोत्र अथवा वंश मंडल कुल ग्रंथ का। और पहला और 10वीं मंडला जो है ये कहा जाता है कि पहला और 10वीं मंडला जो है वो बाद में ऐड किया गया है। 10वीं मंडला में पुरुष सूक्त के बारे में है जो कि 4 वर्ण के बारे में बोलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बोला गया है ये जनरली हम लोग का अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था। वैदिक पीरियड अगर हम लोग देखेंगे वैदिक काल, तो उसको एक अर्ली देखेंगे एक लेटर देखेंगे, ठीक है। अर्ली मतलब वो बहुत पहले का स्टेज था, और लेटर मतलब बाद का स्टेज है, दो स्टेज में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हम लोग वैदिक पढ़ रहे हैं तो क्योंकि हम लोग को जैसे वैदिक कल्चर जो था, वैदिक कल्चर से ही आपका जो जाति का प्रणाली हुआ वो आपका शुरुआत हुआ, हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत डेवलप्ड जगह था, बहुत ही डेवलप्ड था, वहां पे ये सब नहीं था, भेदभाव वो चीज नहीं था, बट वैदिक कल्चर में बढ़ता है, बट वो भी अर्ली में नहीं दोस्तों, वो लेटर में बढ़ता है। हम लोग पढ़ेंगे इसको लेटर में जाएंगे तो क्योंकि लेटर में हम लोग का वर्ण सब मिलेगा, 4 वर्ण हम जब पढ़ेंगे हम जानेंगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण थे। और ये 4 वर्ण का किस में दिखता है दोस्तों, ये हमारा 10वां मंडला में दिखता है, इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये लेटर वैदिक में है, इसीलिए कहा जाता है कि मे बी इसको बाद में ऐड किया गया होगा। तो और जो मंत्र है ऋग्वेद में उसको वे रिसाइटेड बाय होत्री, होत्री जो है वो इन मंत्र को पढ़े थे, वो इन मंत्र को गाए थे, ठीक है, होत्री। सामवेद क्या है, इसमें भी बुक ऑफ चैंट्स है, इसमें भी मंत्र है, 1549 हाइम्स, ऑल हाइम्स वे टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, तो इसमें जो 1549 हाइम्स है वो सारा ऋग्वेद से लिए गए हैं। देखिए अगर आप देखें ऋग्वेद क्या है कि इंसान का भलाई के लिए, इंसान का भलाई के लिए कुछ गाया हुआ गाना है। सामवेद क्या है, मंत्रों का किताब है। यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद है आपका किसी भगवान की पूजा के रिलेटेड है। और अथर्ववेद क्या है, कोई भी औषध कोई भी मेडिसिन्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो सामवेद भगवान इंसान का भलाई के लिए है, सॉरी ऋग्वेद। सामवेद क्या है, सामवेद म्यूजिक को रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ मंत्र है गाना है, ठीक है। यजुर्वेद आपका प्रेयर्स के रिलेटेड कोई भी मीन्स किस तरह से बोल सकते हैं उनको, कोई बलिदान दे रहा हो या फिर जो हम लोग का बलि देते हैं पूजा में, ये सब के रिलेटेड यजुर्वेद है। अथर्ववेद हमारा मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऋग्वेद हम लोग क्या पढ़े दोस्तों, ऋग्वेद में क्या है याद करिए, ऋग्वेद में हमारा है, ऋग्वेद में है 10 मंडलास है, 10 मंडलास है एंड 1028 हाइम्स है, ये याद रखना है दोस्तों, बहुत जरूरी है ऋग्वेद वाला, ठीक है। जहां पे कि फर्स्ट और लास्ट वाला, फर्स्ट और 10th वाला जो मंडला है वो बहुत आखिरी में ऐड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सामवेद, सामवेद में देखिए क्या है, 1549 हाइम्स है और बहुत सारे ऋग्वेद से लिए गए थे यहाँ पे। ये क्या है, ये वेद जो है ये इम्पोर्ट इंडियन म्यूजिक, ठीक है, ये इंडियन म्यूजिक को दर्शाता है। दिस वेद इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक में भी सामवेद का उच्चारण होता है। हिम्स ऑफ सामवेद वे रिसाइटेड बाय उद्गत्री, तो ऋग्वेद को कौन रिसाइट किया था, कौन उसको बोला था ऋग्वेद को, होत्री जो है वो ऋग्वेद को बोले थे, वो उसको रिसाइट किए थे। जैसे पोएम कविता को हम लोग रिसाइट करते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स इस तरह से जो हम लोग बोलते हैं, वो रिसाइट करना हुआ किसी चीज को बोलना हुआ तो उसको होत्री बोले थे, और उद्गत्री जो है वो सामवेद को बोले हैं। यजुर्वेद क्या है, बुक ऑफ सेक्रीफिशियल प्रेयर्स, मतलब घोड़े का बलिदान देना, ठीक है। हम लोग देखेंगे उसको अश्व, उसको कुछ कहा जाता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे अश, ठीक वो देखेंगे। ये बुक ऑफ सेक्रीफिशियल प्रेयर्स जो कि है आपका कोई भी बलिदान हम लोग दे रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं किसी का, किसी को बलि चढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीज यजुर्वेद में रहता है, ठीक है। और इसका जो मंत्र है ये अध्वर्युष के द्वारा कहा गया था, इसको दो भाग में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ला यजुर्वेद, ठीक है। और इसमें जो है
फर्स्ट टू विच आर वर्स एंटायरली, दिस वन इज बोथ वर्स एंड प्रोज। तो इसमें जो दोनों थे ये दोनों वर्स वर्स था, तो ये इतना जरूरी नहीं है इसका डिटेल में इतना जाना, ठीक है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। तो वर्स एंड प्रोज अगर आप देखेंगे वो पोएम्स में ही स्टांजाज एंड प्रोज, हम डिटेल में इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो जरूरी नहीं है दोस्तों, इसीलिए एक्स्ट्रा चीज़ याद, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ याद भी रखना है वो सबको। नेक्स्ट अथर्ववेद अगर हम देखेंगे उसको कहा गया है बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये है हमारा आखिरी वाला और लास्ट वेद, ठीक है। इसमें चार्म्स एंड स्पेल्स टू वर्ड ऑफ एविल्स, जैसे मान लीजिए जो बुलाते हैं किसी को, आपको भूत पकड़ लिया, बहुत लोग बोलते हैं कि भूत पकड़ लिया है, जाओ बाबा को बुला के ले आओ, तो और या फिर कोई रोग पकड़ लिया है तो जाओ उनको बुला के ले आओ, वो रोग ठीक कर देंगे। तो ये सिर्फ किसमें दिया गया है? अथर्ववेद में, ठीक है। बहुत लंबे समय तक जो है ये वेद में इंक्लूड नहीं था, बहुत बाद में आया है ये, इसीलिए क्या है उनको क्या कहा गया है, वेदत्राई। कौन कौन है दोस्तों वेदत्राई में? याद करिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। अथर्ववेद उसमें नहीं है क्योंकि अथर्ववेद बहुत बाद में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स जो जो हमारे वेदों के जो मंत्र हैं उनको ब्राह्मण बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और ब्रह्मा, ब्राह्मण जो शब्द है वो ब्रह्मा से आया। ब्रह्मा माने किसी चीज़ का बलिदान करना, कुर्बानी करना, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ब्रह्मणा के लिए क्या है कि वो लोग बहुत सारे सेक्रीफाइसेस को, पूजा पाठ करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। तो ये सब सीखिए, कुछ कुछ ब्राह्मणा जरूरी है। ऋग्वेद में कौन कौन ब्राह्मण थे? ऐतरेय और कौस्तिकी, संख्यन, ठीक है। देन सामवेद में कौन कौन ब्राह्मण थे? पंचविंश, सातवींश, चंदोज्ञा, जैमिन्या। यजुर्वेद में कौन कौन है? सातपथा एंड तैतरीय। तो देखिए इसमें से कौन कौन जरूरी है, देखिए ऋग्वेद का दोनों जरूरी है, ऐतरेय और कौस्तिकी। अथर्ववेद का गोपद जरूरी है, सामवेद का अगर देखें तो पंचविंश जरूरी है, ठीक है, और यजुर्वेद का तैतरीय ये जरूरी है। तो ये जरूरी है, ये सब नाम थोड़ा सा याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज में आते हैं। चलिए ये नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं अरण्य, अरण्यकांड जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। हम लोग उसमें देखे थे ना उपनिषद में, उपनिषद में क्या देखे? वेद देखे, ब्राह्मणास देखे, अरण्यकांड देखे। तो अरण्य जो है वो जंगल से रिलेटेड है, ठीक है। और जंगल का जो, जंगल अरण्य मतलब जंगल, और जंगल का जो टेक्स्ट है, जंगल में जो लिखा गया उसको अरण्य का कहा गया है, क्योंकि ये जो है ये जो भी बच्चे लोग जंगल में रहते थे वो लिखते थे इसको, ठीक है। उनका जो टेक्स्ट रहता है वो कुछ लिखते हैं, पेड़ है मान लीजिए, पेड़ में वो कुछ शब्द इस तरह से लिख दिए हैं, तो ये सब चीज अरण्यकास है क्योंकि वो सब जंगल में लिखा हुआ है। अरण्यका क्या है? ब्राह्मणास जो पोर्शन है उसको कंक्लूड करता है, ये भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद जो है वो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, ठीक है। तो उपनिषद जो है वो क्या है, वो किस तरह से देखिए उसको लिखा गया है, उनको उसको वेदांत कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि वो वेदांत क्यों कहा जाता है? अंत मतलब क्या है दोस्तों? अंत मतलब किस चीज को खत्म करना। तो वेद का जो लास्ट है, अंत है, उसको वेदांत इसीलिए कहा गया। और 108 उपनिषद है हमारा। सबसे पुराना वाला उपनिषद क्या है दोस्तों? बृहदारण्यक का, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए स्टार्टिंग से और एक बार अच्छा से रिवाइज कर लेते हैं पहले से जो भी हम लोग पढ़े हैं। वैदिक लिटरेचर कब आया दोस्तों? 1500 से 1600 में। तो वैदिक लिटरेचर अगर हम देखें तो चार लिटरेरी प्रोडक्शन थे। कौन कौन से लिटरेचर पढ़ाई हम लोग को किया गया था? वेदास पढ़ाया जाता था, ब्राह्मणास पढ़ाया जाता था, अरण्यकास पढ़ाया जाता था, उपनिषद पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो ये सब चार लिटरेरी सोर्सेस हैं, मीन्स ये सब चार जगह से हम लोग का वैदिक काल में लिटरेचर उत्पन्न हुआ है, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा जो पढ़ाई है वो वेदा से कोई शुरुआत किया है तो कोई ब्राह्मणा से शुरुआत किया है, कोई अरण्यकास से, कोई उपनिषद से। तो वेदास क्या है? वेदास जो है वो बोला गया कुछ चीज है, ठीक है। वेदा वो बोला गया चीज है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन धीरे धीरे फैलता गया। ब्राह्मणास उसके बाद, वो बाद में लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि वो वेद को कोई लिखा नहीं है, लिखा है बट वो बाद में। ब्राह्मणास क्या है? वो ब्राह्मण से रिलेटेड है, कौन कितना ब्राह्मण दान कर रहा है, ब्राह्मणा मतलब दान करना। अरण्यकास मतलब जंगल में जो शिष्य रहते थे वो लोग अरण्यकास के बारे में लिखते थे। और उपनिषद मतलब जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अभी लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन अगर देखें, ठीक है, 600 BC से 680 तक लिखा गया है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे टाइमलाइन पढ़ते, बीच में जीरो आएगा, इसके पहले जो भी होगा वो बढ़ते जाएगा, इधर से 1 2 3 इस तरह से वो 600, ठीक है। ये है 600 BC, और इसके बाद भी 1 2 इस तरह से जाएगा धीरे धीरे धीरे, फिर इधर भी आएगा 600,
तो ये जो गैप है ये कितना साल का गैप है दोस्तों? ये 1200 का, 600 से शून्य 600 आएगा, शून्य से 600 भी 600 आएगा, तो 600 600 1200 का गैप। ये जो 1200 साल जो गया, ठीक है, इसमें वैदिक काल का लोग किस तरह का, क्या क्या चीज से वो लोग पढ़ाई करते थे या फिर समझते थे? एक है स्मृति। स्मृति मतलब किसी चीज को याद करना, ठीक है, उसको याद रख के वो लोग करते थे। और उसमें भी देखिए, उसमें भी देखिए 6-7 तरह का काम था। मतलब एक तो वो वेदांगस, सूत्रास, स्मृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्यास, पुराणास, उपवेदास, सद्दर्शनास, तो ये सब कुछ कुछ ट्रेडिशन था जिससे वो लोग चीजों को याद रखते थे या फिर इस तरह से वो पढ़ाई करते थे, ठीक है। महाकाव्यास मतलब बहुत बड़ा बड़ा कहानी जो हो गया, महाकाव्यास बोलेंगे। पुराणास बहुत बड़ा गाथा, उपवेदास, सद्दर्शनास इस तरह का था। तो ये भी अगर हम देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना कोई क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं आया है, ठीक है। 6 वेदांगास कहा गया है, प्रतीक्षा, कल्प सूत्रास, श्रौत सूत्रास, गृह सूत्रास, धर्म सूत्रास। तो अगर आप देखें तो वेदांगास जो है, जो भी आपको यहाँ पढ़ाया गया है वेदांगास या फिर सूत्रास, ठीक है, तो वेदांगास को भी 4-5 भाग में पढ़ाया है। हम लोग का जो सब्जेक्ट रहता है दोस्तों, सब्जेक्ट रहता है जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, उसी तरह का है सब चीज। वेदांगस में क्या है, वेद का अंग है, वेद का भाग है। वेद का तो हम लोग पढ़े हैं कि वेद को हम लोग बोलते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब है। बट वेद जो है उसको भी अगर हम भाग करें कि किसके किसके बारे में डिटेल पढ़ना है, तो वो कहता है कौन, वेदांगस कहता है कि क्या क्या डिटेल पढ़ना है। पहला तो शिक्षा, फोनेटिक्स जो साउंड से जो आए, प्रतीक्षा गया ओल्डेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम फोनेटिक्स, सबसे पुराना टेक्स्ट, कल्पसूत्रस यानी रिचुअल्स, जो गाथा है, जो मानने वाला चीज है, ठीक है, परंपराओं हैं उनको रिचुअल्स कहा जाता है, श्रौता सूत्रस, गृह सूत्रस। तो श्रौता सूत्रस किसके साथ डील करता है, डील विद द सेक्रीफाइसेस, बलिदान के लिए वो मतलब वो माननीय है। और गृह सूत्रस जो है वो फैमिली का, फैमिली का सेरेमनी से याद तो रहे हो, तो गृह गृह है मतलब घर का है, गृह सूत्रस, श्रौता सूत्रस और सुलभ सूत्रस, डील विद सेक्रीफाइसेस। धर्म सूत्रस क्या है, डील विद वर्णास, आश्रमस, वो धर्म का काम के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या आपको जरूरी है कि आप पूरा इतना नाम याद रखें, कल्प सूत्रस और श्रौता सूत्रस, नहीं जरूरी नहीं है। जो समझ में आए बस इसी तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, श्रौता सूत्रस, सुलभ सूत्रस, ठीक है, श्रौता सूत्रस, सुलभ सूत्रस, ये सेक्रीफाइसेस है। गृह तो घर से समझ में आता है कि फैमिली सेरेमनीज का है, धर्म सूत्रस तो आपका आश्रम से या कोई धर्म का जगह से, ठीक है। अभी व्याकरण, व्याकरण तो हम लोग को पता है कि ग्रामर है, ठीक है, तो अष्टदेई और पणिनि, पणिनि जो कहा गया है ये ओल्डेस्ट ग्रामर है, ठीक है, पणिनि, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पणिनि आया था क्वेश्चन पिछले बार। निरुक्ता, निरुक्ता वो क्या है, निरुक्ता बेस्ड ऑन निघंतु, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स, तो बहुत सारे जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड है वो निरुक्ता में है। जैसे हमारा जो डिक्शनरी है, ठीक है, निरुक्ता को कहा गया है पुराना डिक्शनरी, ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये निरुक्ता है। छांद मतलब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से मतलब कोई हिसाब किताब से रिलेटेड है, पिंगल फेमस टेक्स्ट है। देन ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी क्या है, तारे देख करके कुछ चीज को स्टडी करना पढ़ना, ज्योतिषी विद्या जो है उसको वो इसमें है। तो अभी देखते हैं दोस्तों 6 फेमस स्मृति, देखिए 6 फेमस स्मृति है, मनुस्मृति है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता, प्री गुप्ता पीरियड में, देखिए ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट कमेंटेटर्स, विश्वरूप, मेघातिथि, गोविंदराज, कल्लुक भट्ट, ये सब मनुस्मृति के लोग हैं कमेंटेटर्स, ये लोग बोलते हैं उसके बारे में। देन यज्ञ वाला क्या स्मृति, ठीक है, तो इसके इसके बारे में कौन बोलते हैं, विश्वरूपा, विघ्नेश्वर, अपरक, ठीक है। नेक्स्ट नारद स्मृति है, उसी तरह से परस्र स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, ठीक है, तो 6 स्मृति है। इसको भी उतना याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर मनुस्मृति एक इम्पोर्टेंट है इसको आप याद रख सकते हैं। देन कौन कौन इसको फॉलो करता था, मेघातिथि, विश्वरूप, गोविंदराज, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हम लोग मेनली 2 महाकाव्यास देखेंगे। तो अगर काव्य, काव्य महाकाव्य बहुत बड़ा बड़ा गाथा जो है, 2 बड़ा बड़ा गाथा है, एक रामायण और महाभारत, इसके बारे में पढ़े होंगे। रामायण कौन लिखे थे, वाल्मीकि जी लिखे थे, और महाभारत वेद व्यास लिखे थे, ठीक है। तो रामायण को आदि काव्य कहा गया, सबसे बड़ा महाकाव्य इसको कहा जाता है, ठीक है, जिसमें 24,000 श्लोक है, ठीक है, 7 कांड है,
फर्स्ट कांड, सेकंड कांड, इस तरह का कांड है, ठीक है, रामायण में। नेक्स्ट है महाभारत, देखिए तो ये लॉन्गेस्ट एपिक है। ये चीज थोड़ा सा याद रखिए कि सबसे पुराना कौन है, रामायण है, सबसे लंबा कौन है, महाभारत है। इसमें 1 लाख श्लोक है, ठीक है। तो ये सब है कि भगवत गीता जो दिया गया है वो भीष्म पर्वान महाभारत का जो है उसमें से लिया गया है, ठीक है। शांति पर्वान सबसे लंबा पर्वान है महाभारत का। तो ये सब चीजें महाकाव्य के बारे में, और पुराण पुराण जो हम लोग पढ़े हैं इसके बारे पहले की छे छे लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन में हम लोग पुराण पढ़े हैं। पुराण मतलब क्या है दोस्तों? पुराण मतलब ओल्ड, ठीक है। सबसे पुराना जो चीज है उसको पुराण कहा गया है। तो 18 पुराण है जिसमें कि मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना है, और दो जो जो बहुत फेमस है वो है भगवत विष्णु वायु ब्रह्म, तो ये सब थोड़ा थोड़ा जरूरी है। बट ये मत भूलिए मत्स्य पुराण सबसे बड़ा सबसे पुराना पुराण है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों उपवेदस, उपवेदस माने जो कि वेद से रिलेटेड है। आयुर्वेद किससे है? मेडिसिन से, ये तो हम लोग जानते हैं। तो ये किसके साथ रिलेटेड है? ऋग्वेद के साथ। देन गंधर्व वेद म्यूजिक से रिलेटेड है, तो म्यूजिक हम लोग किसके साथ जोड़ते हैं? सामवेद के साथ। धनुर्वेद आर्चरी से रिलेटेड है, ये किसके साथ जोड़ते हैं? यजुर्वेद। शिल्प वेद और अर्थ वेद ये साइंस है, ये किसके साथ जोड़ते हैं दोस्तों? ये अथर्व वेद के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। अभी 6 स्कूल है इंडियन फिलोसॉफी का। देखिए ये चीज में क्या है कि बहुत सा चीज रट्टा मारने वाला है, तो इसको हम लोग समझ करके रट्टा मार सकते हैं। कुछ कुछ चीजों को, कुछ कुछ चीजों को हम लोग यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा चीज जितना है किताब में आप 6 बार 7 बार आप जब पढ़ेंगे उसको तभी जाके आपको याद रहेगा, तभी याद रख पाएंगे, ठीक है। 6 स्कूल है तो इसको हम लोग अभी के लिए स्किप करते हैं क्योंकि इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बस एक दो चीज को थोड़ा सा जो जरूरी है उसको पढ़ लेंगे। योग दर्शन के लिए पतंजलि है, तो योग सूत्र इसका है, ये एक याद रखिए। नेक्स्ट है वेदांत, अगर देखेंगे तो वो बद्रायण का है, ब्रह्म सूत्र से लिया गया है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे, और धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग ओरिजिनल जो पढ़ाई है अपना, अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऋग्वेद का अर्ली स्टेज से, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, छोटा सा लेसन, ज्यादा लंबा नहीं खींचे क्योंकि आज का टर्म्स थोड़ा सा याद रखना है। तो ये किताब का आप इतना कवर करिए, एक बार नहीं समझ आया 2 3 बार करिए, एंड देन आप वीडियो के साथ रेफर करिए, आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक धन्यवाद, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।